दोस्तों, अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं और फाइनेंशियल चीजों के बारे में जानना चाहते हैं कि हमें हमारा पैसा कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न हमें मिल सके और हमारा पैसा अच्छे से ग्रो हो सके, इसके अलावा ऑनलाइन अर्निंग आप किस प्रकार से कर सकते हैं घर बैठे बैठे सिर्फ एक मोबाइल से, इन सबके बारे में डिटेल में जानने के लिए कैरियर बिट के दूसरे फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम फिनोबिट है, आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, मेक श्योर कि आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हाल ही में डीएलएड सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा उत्तर प्रदेश में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा कर दी गई है। इसमें 60% अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं और 40% अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए गए हैं। बैक लगने के बाद से आगे की प्रक्रिया क्या होती है, बैक का पेपर कब होगा, क्या इससे आप सीटेट में जब आवेदन करने जाते हैं या फिर स्टेट लेवल की परीक्षा में आवेदन करने जाते हैं तो क्या इसका कोई प्रभाव पड़ता है, जब शिक्षक भर्ती आती है तो बैक लगने की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, साथ ही साथ कितने मौके मिलेंगे आपको बैक पेपर को क्लियर करने के लिए, बैक कितने प्रकार से लगती है, ऐसे तमाम प्रश्न जो आपके मन में शंका के रूप में उत्पन्न हो रही होगी उन सभी शंकाओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले मैं बता दूं कि बैक दो प्रकार से लगती है। अगर आपका दो या फिर एक, मतलब कि तीन से कम, यानी एक या फिर दो सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक लगती है तो उसे सब्जेक्ट बैक के तौर पर जाना जाता है, जिसमें अधिकतम दो सब्जेक्ट में आपकी बैक लग सकती है। लेकिन जैसे ही आपकी बैक की संख्या तीन या फिर तीन से ज्यादा होती है तो ये सब्जेक्ट बैक जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सेमेस्टर बैक में। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में डीएलएड सेमेस्टर प्रणाली चलती है इसलिए यहां पर सेमेस्टर बैक के तौर पर जाना जाता है। अगर कहीं पर ईयर वाइज एग्जाम हो रहे होंगे तो वहां पर ईयर बैक के नाम से ये जाना जाएगा। अब सेमेस्टर बैक और सब्जेक्ट बैक में अंतर क्या है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सब्जेक्ट बैक यानी कि पर्टिकुलर आपको उसी बैक पेपर को क्लियर करना होगा भविष्य में जाकर के, लेकिन सेमेस्टर बैक का मतलब कि पूरा सेमेस्टर ही आपका बैक हो चुका है। अब आपको उस पर्टिकुलर सेमेस्टर जिसमें आपकी सेमेस्टर बैक लगी हुई है उस पूरे सेमेस्टर के पेपर को फिर से क्लियर करना होगा। अब यहां पर देखिए, अगर आपका अधिकतम दो सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है तो आपको अगले सेमेस्टर की पढ़ाई करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए मौका दिया जाएगा और आप अगले सेमेस्टर की परीक्षा में भी सम्मिलित हो पाएंगे अधिकतम दो सब्जेक्ट के बैक के कंडीशन में। और अगर आपकी बैक तीन या फिर तीन से ज्यादा सब्जेक्ट में लग गई है तो आपको अगले सेमेस्टर की पढ़ाई करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आप जिस सेमेस्टर में थे जिसमें आपकी बैक लगी है, सेमेस्टर बैक यानी तीन या फिर तीन से ज्यादा सब्जेक्ट में, उसी सेमेस्टर की आप पढ़ाई फिर से करेंगे और जब अगली बार उस सेमेस्टर की पुनः परीक्षा होगी तो आपको सारे पेपर क्लियर करने होंगे। सारे पेपर क्लियर कर लेंगे उसके बाद ही आप अगले सेमेस्टर में पढ़ाई करने के लिए पात्र होते हैं। तो अगर आपका दो सब्जेक्ट में या फिर एक सब्जेक्ट में बैक लगा है तो आप अगले सेमेस्टर की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं और जब भी इसकी परीक्षा होगी आप उसमें सम्मिलित होकर के आप अपना बैक पेपर क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जिनकी तीन या फिर तीन से ज्यादा सब्जेक्ट में बैक लगी है उनको इसी सेमेस्टर में फिर से पढ़ाई करना है और इसी सेमेस्टर के सारे पेपर को उनको क्लियर करना होगा। ये तो बात हो गई सेमेस्टर कितने प्रकार के, बैक कितने प्रकार के होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसकी परीक्षा होगी कब। देखिए, उत्तर प्रदेश में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय जो है वह उत्तर प्रदेश में डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं का आयोजन करता है। उनका अगर आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो वो बैक पेपर का कभी भी अलग से आयोजन नहीं करते हैं। जब भी कोई सेमेस्टर कंप्लीट होता है, जब फ्रेश कैंडिडेट के साथ पेपर का आयोजन किया जाता है, उन्हीं के साथ बैक पेपर के भी परीक्षा का आयोजन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा करा लिया जाता है। तो अभी मान के चलिए सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा हुई थी, अब जो आने वाला समय है उसमें फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा होगी। तो इसके दौरान फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान अगर आप का पर्टिकुलर उस फर्स्ट या फिर थर्ड सेमेस्टर में बैक लगा होगा तो आपको मौका मिल जाएगा। उसके बाद जब फिर पुनः परीक्षा होगी, कोई बैच का अगर एक सेमेस्टर कंप्लीट होता है और मान लीजिए सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की पुनः परीक्षा होती है तो उस कंडीशन में आपको सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर फ्रेश कैंडिडेट के साथ बैक पेपर देने का भी मौका मिल जाएगा। तो इस तरीके से बैक पेपर का आयोजन होता है, अलग से कभी भी आयोजन नहीं करती है पीएनपी। अगला सेमेस्टर जब फ्रेश कैंडिडेट का कंप्लीट होता है और उस सेमेस्टर की परीक्षा हो रही होती है तो अगर आपकी उस पर्टिकुलर सेकंड या फिर फोर्थ या फिर फर्स्ट थर्ड जिस भी सेमेस्टर की परीक्षा हो रही होगी, अगर आपका उस सेमेस्टर में बैक लगा है तो उस सेमेस्टर के बैक पेपर को आप क्लियर कर सकते हैं आवेदन करने के साथ। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि क्या इसके लिए अलग से फीस लगती है। तो जब आप बैक पेपर के लिए आवेदन करेंगे अपने कॉलेज के माध्यम से तो उसकी फीस निर्धारित की गई है पीएनपी के द्वारा, वहीं एक नॉमिनल सा फीस आपको देना होता है पर सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। इसके बाद से बात कर लेते हैं कि बैक पेपर जब आपकी लग जाती है तो उसका रिजल्ट क्या अलग से मिलेगा, क्योंकि
जिस सेमेस्टर में आप थे, जिस सेमेस्टर में आपकी बैक लगी, मान लीजिए सब्जेक्ट बैक के कंडीशन में, तो आपका एक या फिर दो सब्जेक्ट में बैक लगा होगा, तो बाकी सब्जेक्ट्स का तो रिजल्ट आएगा। तो क्या बैक पेपर जब आप क्लियर करेंगे तो अलग से रिजल्ट मिलेगा? बिल्कुल, जितनी सब्जेक्ट में आपकी बैक लगी है, अगर आप उस सब्जेक्ट को क्लियर करते हैं तो उतने आपको अलग अलग रिजल्ट दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा था, फर्स्ट सेमेस्टर में मान लीजिए दो सब्जेक्ट में बैक लग गया, तो फर्स्ट सेमेस्टर का तो रिजल्ट आएगा पहले, जिसमें आपका दो सब्जेक्ट में बैक दिखाया जाएगा, मतलब कि वहां पर स्टार लगा रहेगा और बाकी सब्जेक्ट का रिजल्ट रहेगा और स्टेटस में फेल लिखा रहेगा। अगर आपकी एक भी सब्जेक्ट में बैक लग गई है तो वो स्टेटस में फेल ही शो करता है, ठीक है। लेकिन अधिकतम दो सब्जेक्ट के बैक की कंडीशन में आपको अगले सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका मिल जाएगा, भले ही आपके रिजल्ट पर फेल क्यों ना लिखा हो। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में मान लीजिए दो सब्जेक्ट में बैक लगा और फर्स्ट सेमेस्टर की जब पेपर फिर से पुनः आयोजित कराए जा रहे हैं, अगर उसमें सम्मिलित होकर के आपने दोनों पेपर को क्लियर कर लिया तो उसका एक अलग रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि दोनों पेपर का अलग अलग रिजल्ट नहीं, अगर एक ही सेमेस्टर का है तो दोनों पेपर का, अगर एक ही सेमेस्टर के दोनों पेपर है तो उस सेमेस्टर का अगर दोनों पेपर आपने क्लियर कर लिया तो फिर से आपको रिजल्ट मिलेगा, जिसमें दोनों पेपर के रिजल्ट के बारे में जानकारी होगी। अगर मान लीजिए कि दोनों पेपर में से एक पेपर ही आपका क्लियर हुआ और एक पेपर आप बाद में जाकर क्लियर किए, तो जो एक पेपर क्लियर हुआ है तो उसका भी रिजल्ट मिलेगा दोनों पेपर अगर आप सम्मिलित हुए हैं तो एक पेपर पास दिखाएगा और एक पेपर पर स्टार लगा रहेगा, यानी कि आप फेल घोषित उसमें भी हैं। तो अगली बार जब आप क्लियर करेंगे और मान लीजिए वो बैक वाला फिर से आपने क्लियर कर लिया तो एक और रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मतलब जितनी बार बैक पेपर क्लियर करेंगे उतनी बार आपको अलग अलग रिजल्ट देखने को मिलता है। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि इस बैक पेपर को क्लियर करने के लिए हमें कितने मौके दिए जाएंगे? तो देखिए, जो डीएलएड कोर्स होता है वो एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार चलती है और एनसीटी जो है वो स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस को फॉलो कराता है एससीईआरटी के माध्यम से। तो एससीईआरटी का अगर आप गाइडलाइन देखेंगे तो ये कहता है कि आपको एक पेपर क्लियर करने के लिए अधिकतम तीन मौके दिए जाते हैं, और वो भी तीन मौके में थोड़ा सा आपको ट्विस्ट समझना होगा कि पहला मौका जब आप एज ए फ्रेश कैंडिडेट सम्मिलित होते हैं तो वो आपका पहला ही अटेम्प्ट होता है। मतलब कि मान लीजिए कि एज ए फ्रेश कैंडिडेट, अभी आपकी कोई भी बैक नहीं लगी है, मान लीजिए आप फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने जाते हैं तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है। अगर मान लीजिए उसमें आपकी बैक लग गई तो अधिकतम तीन अटेम्प्ट ही मिलेंगे, तो एक अटेम्प्ट तो आपका समाप्त हो गया, बाकी के आपके दो अटेम्प्ट बचे हुए हैं। यानी कि एक बार बैक लगने के बाद से अगर आप बैक को क्लियर करने के लिए पेपर में सम्मिलित होते हैं तो वो दूसरा अटेम्प्ट है। मान लीजिए उसमें भी आपका क्लियर नहीं हुआ तो एक और अटेम्प्ट आपको मिलेगा, और अगर उसमें भी क्लियर नहीं हुआ तो आपके सारे अटेम्प्ट खत्म हो गया। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि अगर हमारे सारे अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं तब क्या होगा? तो देखिए, पीएनपी के हिसाब से अगर आप पिछला इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो अगर तीन अटेम्प्ट आपके खत्म हो गए हैं और सारे सब्जेक्ट्स क्लियर है, एक ही सेमेस्टर के पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है, तो चौथे अटेम्प्ट के संदर्भ में आपसे प्रत्यावेदन लेकर के वो आपको मौका दे देते हैं। लेकिन इस प्रकार के मामले में एक बार पीएनपी ने मौका नहीं दिया तो मामला कोर्ट चला गया, जहां पर हाईकोर्ट ने कैंडिडेट के फेवर में फैसला दिया कि अगर आपने एक बार मौका दे दिया है तो इन सभी याचियों को, यानी जो भी उसमें पिटिशनर थे, उनको भी परीक्षा में सम्मिलित कराइए। तो इस प्रकार के आदेश कोर्ट ने दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपके तीन बार में क्लियर नहीं होते, एक तो पहली बार कोशिश करिए कि तीन बार में क्लियर हो जाए, अगर नहीं होता है तो भविष्य में जाकर के आपको कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सभी चीजों से बचिए, तीन बार में आप अपना बैक पेपर जरूर क्लियर कर लीजिएगा, अन्यथा बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब एक बार बात कर लेते हैं कि बैक लग गया तो क्या हमारा टेट जो हमने क्वालिफाई किया है या फिर जो हम सम्मिलित होने जा रहे हैं, क्या हमारा पात्र होगा? देखिए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात की जाए या फिर सीटेट की बात की जाए, केंद्रीय स्तर शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात की जाए, तो इसका आपके बैक पेपर से कोई भी लेना देना नहीं होता है। अगर आप एनसीटी की गाइडलाइन देखेंगे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से किसी भी सेमेस्टर में रहते हुए या फिर किसी भी वर्ष में रहते हुए अगर आपने टेट में अप्लाई किया है तो वो टेट पूरी तरीके से आवेदन करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि आपका सेमेस्टर बैक लगा हुआ है तो पर्टिकुलर किसी सेमेस्टर में ही तो रहे होंगे आप, अगर आपका सब्जेक्ट बैक लगा हुआ तो किसी सेमेस्टर में ही तो रहे होंगे। तो यहां पर सिर्फ ये देखना होता है कि आपने जब आवेदन किया तो क्या आप एडमिशन ले चुके हैं, भले आपका बैक हो, किस सब्जेक्ट में लगा है, किस वर्ष में आप एडमिशन, किस वर्ष में आप पढ़ाई कर रहे हैं, किस सेमेस्टर में आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसे कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ आपका एडमिशन हो जाना चाहिए, बैक कितना लगा है उसे कोई मतलब नहीं होता है। यानी कि अगर आप सीटेट क्लियर कर लिए हैं और बाद में जाकर के किसी सेमेस्टर में बैक लग गया तो भी आपका वो सीटेट पूरी तरीके से एलिजिबल है, मान्य है, वैलिड है। अगर आप पहले सेमेस्टर में और पहले ही सेमेस्टर में आपका बैक लग गया और अब सीटेट के लिए आवेदन आ गया तो भी आप आवेदन करने के पूरी तरीके से एलिजिबल होते हैं, आपका ये वैलिड होता है। लेकिन यहां पर आप इस सीटेट या फिर यूपीटेट या फिर किसी भी राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का यूज आप तभी कर पाएंगे शिक्षक भर्ती में जब आप अपने बैक पेपर को क्लियर कर लेंगे। यानी आप एलिजिबल तो हैं आवेदन करने के लिए सीटेट में,
लेकिन वो सीटेट आप तभी यूज कर पाएंगे जब आपके सभी बैक पेपर क्लियर हो जाएंगे, बस इतना ही सा अंतर होता है। ठीक है, तो अगर आपकी बैक लगी है, सीटेट में आवेदन कर रहे हैं, तो पूरी तरीके से निश्चिंत होकर के करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आपका पूरी तरीके से वैलिड होता है एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार। एक और डाउट अभ्यर्थियों के मन में रहता है कि मान लीजिए हमारी बैक लग गई, सब्जेक्ट बैक या फिर सेमेस्टर बैक, तो क्या हमें भविष्य में जाकर के सरकारी नौकरी में कोई दिक्कत होगा? कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब आप एडवर्टीजमेंट पढ़ेंगे सुपर टेट का या फिर किसी भी राज्य में, तो वहां पर सिर्फ ये मेंशन किया गया रहता है कि आपका डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए। कुछ स्पेशल केसेस में आपको अपीयरिंग में भी अलाउ कर देते हैं। अगर आपका डीएलएड कंप्लीट है और सीटेट आप पास है, तो आप आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल होंगे। कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपका सेशन कंप्लीट, कंप्लीट होने का मतलब कि कोई भी बैक पेपर आपका एग्जिस्टिंग एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, यानी सारे बैक पेपर अगर आपके लगे हुए हैं तो आपके क्लियर हो जाने चाहिए। तो बैक आपके दो सब्जेक्ट में लगे हैं, तीन सब्जेक्ट में लगे, उससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपने बैक पेपर को क्लियर कर लिया है, तो सरकारी नौकरी हो या फिर प्राइवेट नौकरी हो या फिर किसी भी प्रकार की नौकरी हो, आपके बैक का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। सिर्फ आपसे ये मांगा जाता है कि आपका डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए, यानी बैक पेपर नहीं होना चाहिए, और आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये पूरा बैक के बारे में जानकारी हो गई। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।